अम्मा हो सकता है इस बार मैं घर वापस ना आ पाऊं, और अगर आऊं भी तो शायद तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन मैं किसी भी हालत में वापस आऊं, मुझे वचन दो कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी, बल्कि पूरे गर्व से सर उठा के मुझे अंतिम विदाई दोगी। अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा भारतीय फौजी अपनी माँ से ये कहता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ अपने बेटे से कुछ बोल पाती, AK-47 राइफलों का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस माँ के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपुजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थी, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था, और अब वो अपने हाथों में बॉम्ब लिए अत्यंत सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की भी आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईडी लिए आगे बढ़ रहा यह मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला एक मेजर जो आज किस रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशायी करने वाले इस भीम का नाम था मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायर।